दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, उसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि दुनिया देखती रह गई। उसने दुनिया को दिखा दिया कि कोई इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह यूसेन बोल्ट की, जिन्हें लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद के रिकॉर्ड्स को कई बार तोड़कर इतिहास को दोहराया है। इसी वजह से उन्हें दुनिया के महानतम ओलंपियंस में से एक माना जाता है। यूसेन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका में हुआ था। वे एक अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे 100 मीटर, 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी हैं। इन सभी तीन दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के ही नाम है। 1984 में कार्ल लुइस के बाद 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में बोल्ट एक ओलंपिक में तीनों दौड़ जीतने वाले और एक ही ओलंपिक में तीनों दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके साथ ही 2008 में वे 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बने। 2002 की विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर बोल्ट ने एक अलग पहचान बनाई और इससे वे प्रतियोगिता के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदकधारी बन गए। 2004 के क्रिप्टा खेलों में 19.93 सेकंड समय के साथ 20 सेकंड श्रेणी में दौड़कर वे पहले जूनियर धावक बन गए और उन्होंने रॉय मार्टिन के 1 सेकंड के 2/3 समय में बने विश्व जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वे 2004 में प्रोफेशनल बने पर चोटों के कारण पहले 2 सीजन की ज्यादा स्पर्धाओं में नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने 2004 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की स्पर्धाओं को पूरा किया। 2007 में उन्होंने 200 मीटर जमैकन राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी डॉन क्वेरिस को 19.75 सेकंड समय लेकर हराया। मई 2008 में बोल्ट ने 9.72 सेकंड समय के साथ 100 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों ही स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 100 मीटर में 9.69 का समय निकाला और ये उस समय का एक नया विश्व रिकॉर्ड था और इस तरह उन्होंने 9.72 समय का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं 200 मीटर स्पर्धा में उन्होंने 19.30 सेकंड समय लेकर 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में माइकल जॉनसन के 19.32 सेकंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। यूसेन बोल्ट यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के एक साल बाद 2009 के विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को क्रमशः 9.58 और 19.19 समय के साथ तोड़ दिया था और इसके साथ ही उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 100 मीटर में उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला अंतर डिजिटल समय माप की शुरुआत के बाद से उच्चतम है। ओलंपिक्स में उनकी उपलब्धियों के कारण ही उन्हें मीडिया ने लाइटनिंग बोल्ट नाम दिया। प्रारंभिक जीवन। बोल्ट जमैका के एक छोटे शहर ट्रेलानी के शेरवुड कॉन्टेंट में 21 अगस्त 1986 को जन्मे थे और अपने माता पिता जेनिफर और वेलेसली बोल्ट अपने बड़े भाई सडिकी और बहन शरीना के साथ बड़े हुए। उनके माता पिता अपने इलाके में एक किराने की दुकान चलाते थे। उस समय बोल्ट अपने भाई के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपना समय बिताया करते थे। बाद में उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैं सचमुच खेल के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बेल्डेंसिया प्राथमिक विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई थी और यहीं पर उन्होंने वार्षिक राष्ट्रीय प्राथमिक स्कूल प्रतियोगिता में दौड़कर अपनी तेज दौड़ने की संभावना को प्रदर्शित किया। 12 वर्ष की उम्र तक बोल्ट 100 मीटर दौड़ में अपने स्कूल के सबसे तेज धावक बन गए। बोल्ट के क्रिकेट कोच ने पिच पर उनकी तेज गति से रन लेने की क्षमता को देखते हुए उन्हें ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भाग लेने की सलाह दी। पूर्व 100 मीटर ओलंपिक एथलीट पाब्लो मैकनेल और ड्वेन बैरेट ने बोल्ट की कोचिंग की और उन्हें अपनी एथलेटिक क्षमताओं में सुधार के साथ साथ अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बोल्ट ने 2001 में पहली वार्षिक उच्च विद्यालय प्रतियोगिता में पदक जीता और 200 मीटर स्पर्धा में 22.04 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता। मैकनेल जल्द ही उनके प्राथमिक कोच बने और दोनों ने सकारात्मक भागीदारी का आनंद लिया। हालांकि बोल्ट के कोच बोल्ट के मजाकिया अंदाज से कई बार नाराज भी हो जाते थे। बोल्ट की तेज रफ्तार पर हुई वैज्ञानिक शोध। जी हाँ, यूसेन बोल्ट की रफ्तार सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि तमाम वैज्ञानिकों के दिमाग में भी खलबली मचा चुकी है। तभी तो वैज्ञानिकों ने बाकायदा मैथमेटिक्स मॉडल के सहारे उनकी रफ्तार के कारणों को निकालने की कोशिश की। यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अनुसार यूसेन की तेज रफ्तार का रहस्य खोजने का दावा किया गया। इसमें तमाम वैज्ञानिकों के मत आए जिसमें यह कहा गया कि बोल्ट की रफ्तार और बेहतर हो सकती है बशर्ते वे तेज शुरुआत करें।
रिसर्च में पाया गया है कि रेस शुरू करने के लिए दागी गई गोली पर बोल्ट का रिएक्शन टाइम बाकियों की तुलना में कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी के वातावरण की भौतिक बाधाओं जिसमें वायु प्रतिरोध गिनाया जा सकता है उससे भी बोल्ट की रफ्तार कुछ कम होती मानी गई है। मतलब किसी और ग्रह पर बोल्ट की रफ्तार कहीं ज्यादा होती। ये तो रही और तेज रफ्तार होने की बात, पर बाकी धावकों से तेज क्यों है बोल्ट? इसका एक कारण उनकी संतुलित लंबाई और मजबूत मांसपेशियों को बताया गया है। वैसे वैज्ञानिक जो भी कहें, पर बोल्ट की सफलता में उनकी इच्छा शक्ति का योगदान कहीं ज्यादा है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार यूसेन बोल्ट की संपत्ति $90 मिलियन के करीब आंकी गई है। दर्जनों बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर होना और स्पॉन्सरशिप्स ने बोल्ट की वार्षिक आय को काफी बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी बनाने वाली कंपनी प्यूमा के साथ उनका सबसे बड़ा करार माना जाता है, जो इस धावक को प्रत्येक साल $10 मिलियन देती है। हालांकि कई दूसरी रिपोर्ट्स में बोल्ट की संपत्ति लगभग दोगुनी बताई जाती है, इसीलिए उन्हें ओलंपिक इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। बोल्ट ने अपने करियर में जितने भी ओलंपिक मैच खेले उन सभी में गोल्ड मेडल ही हासिल किया। उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, 2012 में लंदन ओलंपिक्स में और 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी स्वर्ण पदक ही जीते। साल 2017 में उन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।